नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशि गुरु। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे HP2 के ERP पोर्टल में हम फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एलोकेट कर सकते हैं, कैसे हम टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफ़ी इजी रहेगा टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर के लिए, और कैसे फैकल्टी अपने लॉगिन आईडी से इंटरनल सबमिट कर सकती है। ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए जो इस पोर्टल पर काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको erp.hmdu.ac.in पर विजिट करना है। उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरीके से ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन है, यहाँ पर हेड एडमिन और एकेडमिक एडमिन का ऑप्शन है। तो हेड एडमिन में जाकर आप यहाँ पर पोस्ट और एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। तो पोस्ट पर जाकर आप पोस्ट एंड रोल कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट लेवल पर आप डायरेक्टर को ऐड कर सकते हो, और डिपार्टमेंटल लेवल पर आप फैकल्टी को ऐड करना चाहे तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय अपलोड ऑप्शन पर जाना है। एम्प्लॉय ऑप्शन अपलोड ऑप्शन पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का नाम है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, तो अगर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में किसी को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड एम्प्लॉय यूजिंग फॉर्म, तो आप इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय कोड ऑटो जनरेशन रहने दो। इससे क्या होगा, इसको एम्प्लॉय आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगी, मिल जाएगी इसको आईडी ऑटो जनरेट करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, पोस्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंट्री करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहां पर सिलेक्ट ऑल करके उस फैकल्टी की एंट्री देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ऑलरेडी सारे एम्प्लॉयज एडेड है, और ये उनकी आईडी है जो कि ऑटो जनरेटेड है। तो ऐसे करके आप सारे एम्प्लॉयज को ऐड भी कर सकते हो अपने लेवल पर। उसके बाद आप सब्जेक्ट एलोकेशन के लिए आपको एकेडमिक एडमिन में जाना पड़ेगा। वहां पर आप जाकर सब्जेक्ट एलोकेशन फैकल्टी कोर्स एलोकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मैकेनिकल, और यहाँ पर मैं एकेडमिक सेशन जो क्रिएट किया हुआ है सेमेस्टर 2020-2024 बैच के स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर सबमिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नाम आ रहा है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ अपना ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप क्लिक करो। उसके बाद एलोकेट पर जाकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, और उसको सेव करके आपको ये सब्जेक्ट एलोकेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट एलोकेट हो चुका है। ऐसे ही आप सारे फैकल्टी का सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग लैब है, ये भी मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर शेड्यूल में जाकर सब्जेक्ट एलोकेशन करके स्टूडेंट कोर्स एलोकेशन पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूंगा, और एकेडमिक ब्रांच मुझे सिलेक्ट करना है सेमेस्टर 2 2020-24। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे एलोकेट हो चुका है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें भी बोला है नो स्टूडेंट इज फाउंड। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू मैप स्टूडेंट विद कोर्स पर क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ ओके करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 55 स्टूडेंट्स ऑफ सिलेक्टेड डिवीजन हैव बीन एलोकेटेड। उसके बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे उन बच्चों की डिटेल्स मिल जाएगी जो मैं अभी करंटली पढ़ा रहा हूँ इस सेमेस्टर में।
अप्लाई ऑल पे क्लिक करके मेन कोर्स डेट है उसको यहाँ पर आप डेट भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 मई से सेशन शुरू हुआ तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स डेट चेंज हो चुका है। लेकिन उसकी अटेंडेंस आपको शो नहीं होगी। उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा अपने आईडी से। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एकेडमिक में जाकर आपने इवैल्यूएशन शीट पर क्लिक करना है। तो ये फैकल्टी का प्रोफाइल है, वो पहले एडमिन का प्रोफाइल था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट एलोकेट हो चुके हैं मेरे को। एक टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ये मैंने पहले ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल और मैकेनिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब और ये थ्योरी सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। आप फैकल्टी की प्रोफाइल से इंटरनल सबमिट भी कर सकते हैं। अब मैं एडमिन आईडी पे जा रहा हूँ। एलोकेशन होने के बाद अब मुझे एकेडमिक एडमिन में जाना है। वहां पर मुझे इवैल्यूएशन पैरामीटर सेट करना ताकि आप इंटरनल सबमिट कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे डिपार्टमेंट मैकेनिकल में एकेडमिक ब्रांच सेमेस्टर ये और टर्म सेकंड है। तो आप देख सकते हैं ये दो सब्जेक्ट मैंने अभी ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैकेनिक टेक्सटाइल के बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेक्ट करता हूँ, टेक्सटाइल का मैंने पहले ही कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर मार्क्स एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पर अभी बच्चे का नाम नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एलोकेट करना है। तो उसके लिए एडमिन में जाकर आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके एक्शन पे जाना है और यहाँ पर न्यू इवैल्यूएशन करना है। तो ये हम लैब्स में इंटरनल इंटरनल असेसमेंट करके दे सकते हैं और इसमें मैं 100% कर रहा हूँ। इसमें लैब में इंटरनल पासिंग मार्क्स 12 सबमिट पे क्लिक करना है आपको। आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन पैरामीटर ऐड हो चुका है। सिमिलरली थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही करना है। थ्योरी सब्जेक्ट पर एक्शन पर क्लिक करके न्यू इवैल्यूएशन पैरामीटर पर जाकर आपको यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट ये और भी नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर 100 और यहाँ पर 16 marks out of 40 ये इवैल्यूएशन पैरामीटर ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फैकल्टी की आईडी पे जाकर चेक करूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा मैकेनिकल प्रोग्रामिंग लैब को। मैं यहाँ पर मार्क्स एंट्री पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन सभी बच्चों की डिटेल आ चुकी है आउट ऑफ 30। सिमिलरली थ्योरी सब्जेक्ट का भी आप ऐसे देख सकते हैं, क्लिक करके आप यहाँ पर मार्क्स एंट्री पे क्लिक करो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउट ऑफ 40 मार्क्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं।
फ्रीज करने के बाद आप कोई भी ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर वो एडमिन लेवल पर फ्रीज हो गया तो एडमिन भी इसको चेंज नहीं कर सकता फिर बाद में। तो इस तरीके से आपने वहां पर इवैल्यूएशन पैरामीटर में जाकर आपने मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स वहां पर स्पेसिफाई करके सेव करना, ताकि वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। टाइम टेबल के लिए आपको यहाँ पर एकेडमिक एडमिन में जाना है, उसके बाद आप यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करके टाइम टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। टाइम टेबल के लिए आप एकेडमिक टाइम टेबल पर क्लिक करो। उसके बाद सपोज करो मैं मैकेनिकल के टाइम टेबल को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ सेम सेमेस्टर टू करंट बैच को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद सेमेस्टर टू रनिंग, उसके बाद सबमिट। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आप और यहाँ पर सेशन लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सेशन 1 मई से जुलाई 9 तक है, तो यहाँ पर आप इसके बाद इस पर क्लिक करो, यहाँ पर गेट टाइम पे टेबल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ऐड टाइम स्लॉट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आप टाइम यहाँ पर शो कर रहा है, बहुत नीचे शो कर रहा है, कभी कभी ऊपर भी शो करता है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अभी भी नीचे शो कर रहा है, ऑप्शन सिलेक्ट करने में कुछ दिक्कत होगी ऐसे में। और इसमें मैनुअल एंट्री का ऑप्शन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसको मैं रिसाइज करके देखता हूँ, रिसाइज करके मुझे ऑप्शन दिख रही है, तो सपोज करो अगर 9 बजे क्लास है आपकी और ये मिनट्स का है तो 0, और यहाँ पर एंड टाइम आप 10 बजे का दे सकते हैं। ऐड न्यू स्लॉट करना, उसके बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट नेम ऐड करना है, अगर आप सब्जेक्ट नेम ऐड नहीं करोगे तो ये फिर आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा, हम चाहते हैं कि इसके लेफ्ट शिफ्ट में रहे, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट जो मैंने ऐड किए, जो आगे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो एलोकेट किए थे हमने, उसके बाद आप यहाँ पर लेक्चर कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा टाइम स्लॉट ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, और ऐड नेक्स्ट टाइम स्लॉट आप यहाँ पर भी, उसके बाद आपका अगला सेशन शुरू 11 बजे से लेकर फॉर एग्जाम्पल 12 बजे तक करते हैं, ऐड न्यू, अब इस पर डबल क्लिक करो, और यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट हो गया कम्युनिकेशन लैब, और ओके। इसी तरीके से आपके टाइम टेबल बनेगा, इसके लिए आप यहाँ पर पीडीएफ को जनरेट भी कर सकते हैं, ऐसे करके आपको सारे सब्जेक्ट को ऐड करना है, लैब हो प्रैक्टिकल हो, तो जनरेट करने के बाद आपका इस तरीके से टाइम टेबल आपका जनरेट होगा। तो ऐसे ही आप 9 से 10, फिर उसके बाद 10:30 से 11:30 ऐसे करके आप 4 बजे तक के टाइम का पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं, मंडे टू सैटरडे तक, और उसे जनरेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने बस इतना ही डिस्कस किया है कि कैसे हम फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एलोकेट कर सकते हैं, कैसे टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर के लिए आसान रहेगा, और कैसे हम फैकल्टी अपने फैकल्टी लॉगिन आईडी से इंटरनल सबमिट कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर मुझे और भी कुछ सीखने को मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और जैसे कि कैसे हम उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस, कैसे हम उसमें असाइनमेंट दे सकते हैं, तो वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।